बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज आई हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी में दोस्तों वैकेंसी हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, दो बड़े इश्तिहार हैं, दोनों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न AHK नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, पार्क रोड, चक शहजाद। दोस्तों, इसमें सबसे पहली पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, 14वें स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिल इंटरमीडिएट। और साथ दोस्तों ने टाइपिंग स्पीड मांगी 40 अल्फाज एक मिनट में या फिर 80 अल्फाज एक मिनट में शॉर्ट हैंड। कंप्यूटर का इल्म रखना होना चाहिए आप लोगों को। टोटल इसकी 4 वैकेंसी है, इसमें दोस्तों सिंध रूलर की 2 वैकेंसी है, बलूचिस्तान की एक है, फाटा या गिलगित बल्तिस्तान की एक वैकेंसी है। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है LDC, 9वें स्किल की ये जॉब है, मैट्रिक बेस पे, साथ टाइपिंग स्पीड मांगी है उन्होंने 30 अल्फाज एक मिनट में। इसमें मेरिट पे एक वैकेंसी है और सिंध अर्बन की एक है। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। डिस्पैच राइडर, 4th स्किल की ये जॉब है, प्राइमरी बेस पे, साथ दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक कानून से अच्छी तरह से वाकफ हो। और दोस्तों लोकल बेसिस पे, यानी कि जिन लोगों का डोमिसाइल इस्लामाबाद का बना वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। लास्ट में दोस्तों नायब कासद, पहला स्केल है, प्राइमरी बेस पे हैं, 2 वैकेंसीज हैं, लोकल बेसिस पे हैं और 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। अप्लाई कैसे करना? दोस्तों, आप लोगों ने अपने तमाम तस्दीक डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और एप्लीकेशन आप लोगों ने बाय पोस्ट पहुंचानी है और इंटरव्यू के वक्त आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को ट्रैवल अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा और शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार को टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने सादा कागज़ पर एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन टू डिप्टी डायरेक्टर एडमिन AHK नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, पार्क रोड, चक शहजाद, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुँचानी है और साथ आप लोगों ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा कर विद इन 15 डेज़ के अंदर आप लोग एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुँचा सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 5 अक्टूबर 2020 है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसमें ये भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वैकेंसीज हैं। कैबिनेट सेक्रेटरेट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट की, 15वें स्किल की ये जॉब है, टोटल इसकी 9 वैकेंसीज है, तालीमी काबिल ग्रेजुएशन और 6 हफ्तों का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। इसमें दोस्तों मेरिट पर एक वैकेंसी है, पंजाब की 2 हैं, माइनॉरिटीज पंजाब की 1 है और डिसेबल पर्सन की 1 है, सिंध रूरल की 1 वैकेंसी है, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 1 है और फाटा की 1 वैकेंसी है। 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। दूसरे नंबर पर दोस्तों स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, 15वें स्किल की ये जॉब है, टोटल इसकी 2 वैकेंसी है, तालीमी काबिलियत इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स। मेरिट पे 1 वैकेंसी है, बलूचिस्तान की 1 है, 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट, 15वें स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिल ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में। मेरिट पे होगी, 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। IT असिस्टेंट, 15वें स्किल की ये जॉब है, 2 वैकेंसीज हैं, तालीमी काबिल बैचलर डिग्री कम अज़ कम 2nd डिवीज़न के साथ कंप्यूटर साइंस में। इसमें पंजाब की 1 सीट है और KPK की 1 है। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। स्टेनोटाइपिस्ट, 14वें स्किल की ये जॉब है, टोटल इसकी 18 वैकेंसी है, इंटरमीडिएट बेस पे हैं और साथ दोस्तों ने टाइपिंग स्पीड मांगी 40 अल्फाज एक मिनट में या फिर 80 अल्फाज शॉर्ट हैंड स्पीड।
कंप्यूटर का इलम होना चाहिए। इसमें मेरठ पे 3 वैकेंसीज है, पंजाब की 6 हैं, पंजाब वुमेन की 1 है, सिंध रूलर की 2 वैकेंसी, सिंध अर्बन की 2 वैकेंसी है, केपीके की 2 हैं, फाटा की 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 वैकेंसी है। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। सेकेंड लास्ट पर दोस्तों अपर डिवीज़न क्लर्क, 11वीं स्किल की ये जॉब है, तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट और 3 हफ्तों का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स, मेरिट पे होगी। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। लास्ट पर दोस्तों लोअर डिवीज़न क्लर्क, 9वीं स्किल की ये जॉब है, टोटल इसकी 8 वैकेंसी है, तालीमी काबिलियत मैट्रिक और साथ दोस्तों टाइपिंग स्पीड मांगी उन्होंने, 30 अल्फाज 1 मिनट में और 3 हफ्तों का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स। इसमें मेरिट पे 1 है, पंजाब की 1 सीट है, माइनॉरिटीज पंजाब की 1 है, डिसेबल पर्सन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है, केपीके की 1 है और बलूचिस्तान की 1 वैकेंसी है। 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। दोस्तों आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तमाम तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट जिसमें शख्सी कार्ड और दो पासपोर्ट से तस्वीर लगा के आप लोगों ने बाय पोस्ट पहुँचाना है सेक्शन ऑफिसर एडमिन 2 एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मेन रोड रूम नंबर 15 जे कैबिनेट सेक्रेटरी इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय फॉर्म बाय पोस्ट पहुंचाना है। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का तरीकाकार बता देता हूं। और दोस्तों टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को चाहिए कि वो जब वो जाएँ तो अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएँ, एक सेट आप लोगों ने तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स का भी साथ लेकर जाना है। और गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें। टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को ट्रैवल अलाउंस स्टडी अलाउंस नहीं दिया जाएगा और 40 उम्मीदवार को टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। नीचे दिए गए एड्रेस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुँचाना है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर 2020 है। यहाँ पर दोस्तों नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, आप लोग यहाँ से भी इसको फिलअप करके बाय पोस्ट पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने वेबसाइट मौजूद है, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने करियर्स की ऑप्शन में जाना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को करियर्स की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स जॉब एडवर्टाइजमेंट, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा इस तरह का। आप लोगों ने इसका मुकम्मल प्रिंट आउट निकाल के साथ आप लोगों को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के बाय पोस्ट पहुँचाना है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसीज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वैकेंसीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में दोस्तों ये वैकेंसीज आई हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट में वैकेंसीज हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।